नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। शहर संग्राम की बात कर रहे हैं हम। आज दूसरे चरण का मतदान लगातार चल रहा है। मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, जो वीआईपीज हैं वो भी बाहर निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। सुबह से ही नेशनल वॉइस आपको इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे मतदान पर अपडेट कर रहा है। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण में मतदान लगातार जारी है। अमरोहा में 11 बजे तक 25% वोटिंग हुई है। श्रावस्ती की अगर हम बात करें तो वहां पर 11 बजे तक 26% मतदान हुआ है। मैनपुरी में 11 बजे तक 28.06% मतदान हुआ है। ये अलग अलग जगहों से जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं वो लगातार आपको हम बता रहे हैं, अपडेट आपको कर रहे हैं। फरुखाबाद की अगर बात करें तो वहां पर 11 बजे तक 27.50% मतदान हुआ है। लगातार लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं, अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। संत कबीर नगर की अगर बात करें तो 11 बजे तक 22.4% मतदान वहां पर हुआ है। और लगातार हम आपको इस पूरे मसले पर अपडेट कर रहे हैं, इस पूरे मतदान पर अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि अहम दिन आज है। राजधानी लखनऊ में आज मतदान हो रहा है। इसके लिए पहले से ही तमाम इंतजाम थे और अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से लोग जो हैं घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं कहीं से छिटपुट घटनाएँ सामने आई हैं, लेकिन क्या है पूरा हाल ये लगातार आपको हम बताएंगे। हमारे साथ कई रिपोर्टर्स हमारे मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर, फील्ड पर मौजूद हैं, हम उनका रुख करेंगे। हमारे साथ प्रियम पाठक मौजूद हैं, हमारे संवाददाता। रजनीश जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। आशीष भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनके पास भी जाएंगे और जानेंगे कि क्या हालात हैं मतदान के। और साथ ही उत्कर्ष सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर जो मतदान हो रहा है उसके क्या सियासी मायने हैं और लोगों की भागीदारी उसमें कितनी है। सबसे पहले प्रियम का हम रुख कर लेते हैं। प्रियम, जहां पर आप हैं वहां पर क्या स्थिति है, लोग कितने उत्साहित हैं और कितनी बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, प्रशासन ने कैसे इंतजाम किए हैं? जी सुप्रा, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय लखनऊ में कलेक्ट्रेट में स्थित हूँ, जहाँ पर पूरे जिले में जहाँ पर जितने भी चुनाव हो रहे हैं उनका कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया गया है। पूरे जिले को, पूरी राजधानी को यहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है। जिस तरीके की भी कोई भी शिकायतें आ रही हैं उनको यहाँ से उसका निस्तारण किया जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से कई दावे और बड़े बड़े वादे किए गए थे कि सारी व्यवस्थाएँ की गई, कहीं पर कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन की खराबी और थोड़ी बहुत झड़प जैसी जो घटनाएँ वो देखने को मिली हैं। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो राजधानी लखनऊ में अभी तक जो है तकरीबन 15 से 16% ही मतदान अभी हुआ है। 12 बजे का जो समय है तकरीबन बच चुका है, एक बज चुका है। 1 बजे के बाद तकरीबन आधा दिन बीत चुका है, उसके बाद भी लेकिन जो मतदान का प्रतिशत है वो अभी राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो उसके हिसाब से काफ़ी कम है, 16 से 27% है। जबकि जिला प्रशासन की तरफ से जो है दावा किया गया था कि तकरीबन निकाय चुनाव में जो है 50% से अधिक जो है वो मतदान कराया जाएगा। लोगों को अवेयरनेस करने के लिए कई तरह के प्रोग्राम किए गए थे। संडे का दिन इसीलिए जो है दूसरे चरण में रखा गया था ताकि लोग अपने घरों से निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर आके वोट डाल सकें, क्योंकि जो ये वोट होता है, जो निकाय चुनाव है, ये शहर का चुनाव है। शहर के लिए इसमें प्रत्याशियों का चुनाव किया जाता है जो शहर के विकास करते हैं, विकास में अहम रोल जिसकी वजह से जो लोग निभाते हैं। तो ऐसे में मतदाताओं, जिस तरीके की जो संख्या है मतदाताओं, मतदाता जो घर से कम निकल रहे हैं यहाँ राजधानी लखनऊ में, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन अगर बात करें जहाँ जिला प्रशासन की तरफ से, तो कलेक्ट्रेट में जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वहाँ पे खुद डीएम जो हैं वो खुद बैठे हुए हैं, पूरे जो है राजधानी है उसमें वो नज़र बनाए रखे हुए हैं। हर तरीके से वो पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं। सभी अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दे रखे हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी जो घटना है कहीं पर वो ना होने के पाए, सभी जगह पर तुरंत जो है एक्शन लिया जा रहा है। एक दो कहीं ना कहीं जो 2-3 बूथ हैं वहाँ पे कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखने को मिली, जिसके बाद वहाँ पे मौजूद बीएलओ जो हैं और जो वहाँ के प्रियम आपके पास वापस अधिकारी हैं। रजनीश का हम रुख कर लेते हैं। रजनीश, जैसा कि प्रियम भी बता रहे हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए गए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकले, असर दिख रहा है क्या इसका?
देखिए वो जागरूकता की बात अलग है, यहाँ पे आदर्श बूथ भी बनाया गया है, यहाँ पे जलपान की भी सारी व्यवस्था है, लेकिन जो वोट प्रतिशत होना चाहिए वो स्पीड नहीं पकड़ पा रहा। हालांकि उसके लिए निर्वाचन आयोग ने लाख जतन किया था, उसके लिए स्लोगन बनवाए गए थे, जिंगल सॉन्ग बनवाए गए थे, लेकिन वो लाख जतन के बावजूद भी वो प्रतिशत नहीं बन पाया। हालांकि जो लोग मतदान करने आए उनकी शिकायत जरूर है कि उनके जगह पर दूसरा कोई वोट डाल दिया है, उनका वोटर लिस्ट में नाम गायब है। निर्वाचन आयोग ने उसके लिए बतौर बीएलओ की नियुक्ति की थी, बीएलओ की ड्यूटी होती है कि जब आप किसी मतदान केंद्र पर जाएंगे, पर्ची देंगे, तो आपको वहां से एक पर्ची देंगे जो निर्वाचन कक्ष तक जाता है और वहां से आपको दिया जाता है, लॉक सिग्नल दिया जाता है जिसे आप वोट करती है। लेकिन यहां पे ये आलम है, मैं इस समय उस बूथ पे खड़ा हूं जहाँ पे राजनाथ सिंह ने कुछ घंटे पहले मतदान करके गए थे और सुबह यहाँ का ये हाल था, तो लगातार यहाँ पे रुक रुक के बवाल हो जा रहा है, किसी का नाम गायब है और जिसका नाम भी है तो उसके जगह पे दूसरा कोई मतदान कर दिया है, सीधे सीधे आप सत्तासीन पार्टी पे जा रहा है। यहाँ की हालात है तो और जगह के हालात का अंदाजा आप लगा सकती है। जी बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि छिटपुट बीच में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो कि ये दिखा रही हैं कि प्रशासन को और ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। हालांकि पहले चरण में भी ऐसी घटनाएं हुई थी, उसके बाद चुनाव आयोग की कोशिश थी कि इस बार ये ना हो पाए, लेकिन अभी भी जैसी कि खबरें हमारे सामने आ रही हैं कई जगहों पर किसी और के नाम पर वोट करना या फिर दूसरी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। उत्कर्ष जी का हम रुख कर लेते हैं, उत्कर्ष सिन्हा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष जी, जैसा कि खबर आ रही है कि जितना मतदान फीसद होना चाहिए था उतना नहीं है, लोग कम संख्या में बाहर निकल रहे हैं, इसके क्या मायने हैं सियासी और जो राजनीतिक दल हैं जो रेस में हैं उनके लिए कितनी चिंता कितनी खुशी? देखिए शुभ्रा, एक तो सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि हालिया दिनों में हमने बहुत सारे चुनाव देखे, इस बार का चुनाव सबसे खराब मैनेजमेंट का इलेक्शन है ये। पहला चरण बीता, गोरखपुर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना क्षेत्र है वहां पे 37.5% वोट पड़े थे। आज लखनऊ में हम 12 बजे बैठे हैं, आधा दिन खत्म हो गया और यहाँ हम लगभग 15% पे बैठे हुए हैं। सुबह से बहुत सारे ऐसे वीआईपी कॉलोनीज जिनको हम कहते हैं शहर की भाषा में, 200-200 घरों के वोटर लिस्ट से नाम गायब हैं। बड़े अधिकारी इस शहर के, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर जिनके हाथ में है, उनका नाम गायब है। तो ये कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग की वो बहुत बड़ी चूक है जिसने इस मतदान प्रतिशत के ऊपर असर डाला है, नंबर एक बात। दूसरी बात, प्रशासन का फेल्योर दिखाई दे रहा है पहले चरण में और अब दूसरे चरण में। राजधानी लखनऊ के पर के बूथों पे सुबह से जिस तरह से बवाल और वारदातें हुई हैं, महिलाओं पे लाठी चलने की नौबत आई है और वजह क्या है कि वोटर लिस्ट में या तो नाम नहीं है या धांधली का आरोप है। 7:30 बजे से जो कंटिन्यूअस जो खबर आ रही है वो आ रही है ईवीएम मशीनों का खराब होना, तो आखिर टेस्टिंग क्या है? तो बीएलओ की मतदाता सूची, उसके बाद पर्चियों का घर तक पहुंचना और फिर मशीनों का खराब होना, ये सीधे सीधे जिम्मेदारी शासन और निर्वाचन आयोग की है। बिल्कुल, और आशीष जी बिल्कुल, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ उत्कर्ष जी। आशीष का हम रुख कर लेते हैं जो कि लखनऊ से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, बार बार ये बात निकल कर सामने आ रही है कि जो इंतजाम होने चाहिए थे वो इंतजाम नहीं है और मिसमैनेजमेंट की बात भी कर रहे हैं उत्कर्ष। ऐसे में प्रशासन की ओर से, मैनेजमेंट की ओर से, पुलिस की ओर से, अधिकारियों की ओर से क्या कहा जा रहा है? अगर पहली बार में कुछ गलतियां हुई थी तो दूसरी बार में उन्हें सुधारने की कोशिश क्यों नहीं की गई और अभी जो हालात हैं उसके लिहाज से क्या आगे और भी गड़बड़ियां सामने आ सकती हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह दूसरा चरण का मतदान है और लगभग 6 घंटे बीत चुकी है और वोटिंग परसेंट है वो बहुत लो है, लगभग 3 से 3.5 घंटा और बाकी है। अगर वोटिंग परसेंट जल्दी बढ़ता नहीं है तो जो चुनाव का जो परिणाम आएगा बहुत ही न्यूनतम वोट पर आएगा। तो कुल मिलाकर इस देखा जाएगा, निर्वाचन आयोग ने इससे पहले एक कैंपेन चलाई थी, काफ़ी लोग जागरूक किया था, लेकिन लोग हैं जो पब्लिक है वोट देने नहीं आ रही है और कई पब्लिक की शिकायत ये भी है कि वोट देने पहुँच रहे हैं वहाँ उनका नाम नहीं है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो जिनका पूरे पूरे मोहल्ले का नाम गायब है। ऐसे ही 17 लगभग जैसे गोमती नगर की बात की जाए तो गोमती नगर में 200 ऐसे लोग हैं जिनका नाम नगर निगम के जो वोटर लिस्ट में उसमें नहीं है, जो निर्वाचन का वोटर लिस्ट है। उसके अलावा कुछ ऐसे कॉलोनी हैं जिसको वो नगर निगम को हैंड ओवर नहीं किया गया, यानी टेक्निकल गलती कारण वो लोग वोट नहीं डाल पा रहे हैं। इसी तरह और भी कई दिक्कतें हैं, लेकिन जो जो चुनाव आयोग की बात करें, चुनाव आयोग पहले ये दम भर रहा था कि हमने वोटर लिस्ट सही कर ली, दुरुस्त कर ली है और हमने डोर टू डोर जो आंकड़े हैं वो बटोर लिए हैं, लेकिन जिस तरह से चुनाव के वोटिंग परसेंट आ रहा है
रहा है और जिस तरह से लोगों का रुझान वोटिंग में नहीं जा रहा है, इससे साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का जो अंदाजा था वो गलत था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा कंपेन किया था। लेकिन जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की बात की है, तो उत्तर प्रदेश में एक बड़े अंतराल में वोटिंग हुई थी, बहुत अच्छा वोटिंग हुई थी। उसके बाद से ये माना जा रहा था कि यूपी का जनता है वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुका है और 5 साल में अगर उसको मौका मिलता है बदलने का, संवारने का, तो उसे संवारता है। लेकिन फीसद कम है और इसीलिए चिंता बढ़ जाती है कि पहले की अपेक्षा जो हमारे पास तकनीक है, जो चुनाव आयोग के दावे हैं या फिर प्रशासन के दावे हैं, वो ये हैं कि अब हमने टेक्नोलॉजी में एक गति पाई है, एक हम आगे जाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। उसके बावजूद अगर ये हालात हैं तो पूछना पड़ेगा अपने आप से, पूछना पड़ेगा प्रशासन से। आप सब बने रहिए हमारे साथ। लखनऊ में बीजेपी की मेयर पद की प्रत्याशी संयुक्ता भाटिया ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपने मत का प्रयोग करने की भी अपील की है। आपको सुनवाते हैं। आज लखनऊ के महापौर का चुनाव है और पहला मौका होगा जब आधी आबादी को महापौर के इतिहास में पहली बार मौका मिल रहा है, यानी यहाँ जो सीट थी वो आरक्षित थी वो महिला के लिए थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के उम्मीदवार संयुक्ता भाटिया जी है। पहला मौका होगा महापौर के लिए जब महिलाओं के लिए आरक्षित हुआ है जी? ये पहला मौका है और महिला क्योंकि घर को सुंदर और सुव्यवस्थित रखती है, इसलिए महिला महापौर होगी तो वह शहर को भी सुंदर और सुव्यवस्थित रखेगी। लगातार विरोधी हमला कर रहे हैं कि लगातार यहाँ महापौर जो रहे बीजेपी के रहे हैं, विकास नहीं, उसके पीछे बीजेपी के लोग दोष बता रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं, राज्य में अपनी सरकार नहीं थी इसलिए विपरीत परिस्थितियों में भी दिनेश शर्मा जी ने बहुत काम किया यहाँ पर, और अब तो परिस्थितियाँ हमारे पक्ष में है, काम बहुत अच्छा होगा और जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। कुछ अपील करना चाहेंगे आप? मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगी वे मताधिकार का उपयोग करें और वोट डालने अवश्य जाएं। हमारे साथ बीजेपी की प्रत्याशी संयुक्ता भाटिया थी, उन्होंने लोगों से अपील किया मतदान करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक विरोधियों का भी बड़ा सवाल है कि लगातार बीजेपी की यहाँ महापौर रही है और कुछ विकास का काम नहीं हुआ है। सहयोगी जगदीश के साथ रजनीश पांडे, नेशनल वॉइस, लखनऊ। और यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में अपने मत का प्रयोग किया है। इस दौरान हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए। सीएम दिनेश शर्मा ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। 17 साल आपने लखनऊ में महापौर का पद संभाला है और अब एक महिला प्रत्याशी मैदान में है वो संभालने जा रही हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके की मुश्किलात हैं लखनऊ में जिनको जो बड़े चैलेंज होंगे? देखिए, कोई भी कितनी बड़ी मुश्किल हो उसका एकमात्र हल होता है समन्वय, और समन्वय के आधार पर जो चलता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। और संयुक्ता जी समन्वयवादी रही हैं, इन्होंने हमेशा संगठन में भी समन्वय बनाया, टिकट मिला तो भी काम किया, नहीं मिला तो भी काम किया, तो ये मैं समझता हूँ एक आदर्श महापौर के रूप में काम कर सकेंगी, क्योंकि इनमें समन्वयवादी दृष्टिकोण है। अब जो भी परिणाम आता है, यदि इनको नेतृत्व मिलता है तो जाहिर सी बात है केंद्र और प्रदेश का समन्वय इनसे पहले से बेहतर है, ये पहले से अधिक अच्छा काम करने की क्षमता रखती है। जिस तरीके से दिनेश शर्मा जी बता रहे थे कि एक समन्वय की जरूरत है और वो समन्वय कहीं ना कहीं भाजपा प्रत्याशी में, जिसके लिए उनकी जीत भी कहीं ना कहीं सुनिश्चित दिख रही है। विजय ज्ञानेंद्र के साथ शिवा तिवारी, नेशनल वॉइस, लखनऊ। तो सभी दल जो हैं अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं और साथ ही अपील कर रहे हैं जनता से कि वो बाहर निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। नेशनल वॉइस भी लगातार आपसे यही अपील कर रहा है, आप जहां कहीं भी हैं अगर आपके ज़िले में चुनाव है तो आप बाहर ज़रूर निकलें, मतदान ज़रूर करें, ये आपका अधिकार है, इसका प्रयोग आप ज़रूर करें, क्योंकि शहर की सरकार है और जो भी फैसले होंगे उसका सीधा असर आप पर पड़ेगा। उत्कर्ष जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। हम बार बार बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, हम बार बार बात कर रहे हैं ये कि पहले की अपेक्षा आखिर क्यों मतदान फीसद जो है वो बढ़ नहीं पाया बल्कि घटता हुआ दिख रहा है, इंतजामात की खामी है, क्या कोई लापरवाही है? लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या लोगों में शहर की सरकार को लेकर के उदासीनता है, जो फैसले होते हैं जिस तरह से फैसले होते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन जैसे होता है, क्या इस बात को लेकर के निराशा है क्या जिस वजह से वो बाहर नहीं निकलते हैं? देखिए शुभ्रा, 2-3 बातें बहुत साफ है। जो इंतजामात के बारे में हम लोग बात कर चुके, एक बात जो हुई है पिछले दिनों में देखा गया कि नगर निगम की शक्तियां कुछ कमज़ोर
हुई थी और उसको लेके अब लोगों को ये लगता है कि जो विकास होना है वो नगर निगम की भूमिका नहीं, सरकारों की भूमिका ज्यादा भरोसे पे होती है, तो एक वहां पे। लेकिन दूसरा जो पॉलिटिकल इसका एक निहितार्थ समझ में आता है कि लगातार दो चुनावों से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और विधानसभा दोनों में जीती, बम्पर वोट से जीती, लेकिन पिछले 7 महीनों में जनता को थोड़ी निराशा हुई है उसकी प्रक्रियाओं को लेकर के। इस तरह के बातें सामने आने लगी हैं कि विकास अभी रुका हुआ है, विकास के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। तो जब वोटिंग कम होती है तो इसका एक ये भी वजह होती है कि वर्तमान शासन से थोड़ी निराशा होती है और एट द सेम टाइम विपक्ष से बहुत आशा नहीं है अभी। तो ये दोनों मिला के एक माहौल बनाते हैं कि जहां पे वोटिंग परसेंटेज कम होता है और बची खुची बात जो है वो वोटर लिस्ट से नाम गायब हो जाना और जो अव्यवस्था है। और एक खास बात और इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगा मैं कि पिछले दिनों से ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता के ऊपर जिस तरह से बहस खड़ी हुई है वो सही है गलत है, साबित हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो विश्वसनीयता के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं उसको अगर इलेक्शन कमीशन ने बहुत स्ट्रांगली हैंडल नहीं किया तो शायद वो डेमोक्रेसी के लिए और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। प्रियंका आप रुक कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और यही सवाल प्रियम से मैं करना चाहूंगी। प्रियम, आपके अधिकारियों से बातचीत हुई होगी, एक खबर बीच में ये भी आई कि पुलिस ने ये कह दिया कि अगर ईवीएम में आपको गड़बड़ी लग रही है तो आप शिकायत मत करिए क्योंकि सब कुछ टेस्टेड है। अगर पहले से इतनी सारी खामियां सामने आ रही हैं और रवैया प्रशासन का ये है कि आप खामी की शिकायत भी मत करिए तो क्या असर पड़ता है इसका? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से खामियां निकल के आ रही हैं, पहले प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए थे कि सारी तैयारियां कर ली गई हैं, पूरी तरीके से जो है जिला प्रशासन मुस्तैद है, किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होने पाएगी, सभी मशीनों को चेक कर लिया गया, बड़े बड़े दावे किए गए थे। लेकिन जो हकीकत है, अगर बात करें जिस तरीके से पहले चरण का चुनाव हुआ था उसमें कई तरह की खामियां नजर आई थी, उससे भी जो है प्रशासन ने सबक नहीं लिया है और दूसरे चरण में भी जिस तरीके की खामियां निकल कर आ रही हैं, जो वोटिंग परसेंटेज की हम लोग बात कर रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत जो है वो बहुत कम है, तो उसके पीछे एक वजह यह भी है कि कई जगह पर जो है मतदाता जा रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं, उनका लिस्ट में नाम नहीं मिला, कहीं उनके जो सेंटर्स हैं वो बदले हुए हैं, बूथ जो है वो बदले हुए, वहां पे पहुंच रहे हैं, उनको उन कुछ बात की जानकारी नहीं है कि उनका वोट जो है वो किस बूथ पे पड़ना है, कहीं पर जा रहे हैं तो वहां पे ईवीएम मशीन की खराबी है, जहां पे घंटों से जो है मशीन खराब है, बदली नहीं जा रही, तो इस तरीके की जो सभी शिकायतें आ रही हैं, कहीं ना कहीं जो मतदाता का प्रतिशत है, जो मतदान का जो प्रतिशत घट रहा है उसके पीछे इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि क्योंकि जब आदमी जाता है, जब वहां पे पहुंचता है, जब वो देखता है वहां पे कई जगह पे इसी के चलते जो है कई ऐसी भी खबरें आई हैं कि जहां पर छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, जब लोग जाते हैं पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां पर ईवीएम मशीन में खराबी है या फिर इस तरह की कोई घटना है या फिर उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या किसी और के नाम से मतदान कर रहे हैं तो निराशा होती है, पहले से जो निराशा है वो और बढ़ जाती है। रजनीश का मैं रुख कर लेती हूँ। रजनीश, एक पक्ष ये भी होता है कि जब वीआईपीज बाहर निकलते हैं तो लोग उत्साहित होते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं हमें भी बाहर निकलना चाहिए, इस मतदान का भी महत्व है, हमें वोट डालना चाहिए। कौन कौन से वीआईपीज ने वोट किया है और क्या माहौल उस वक्त रहा? देखिए, अभी तक जो वीआईपी राजनाथ सिंह ने वोट डाला है, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने वोट दिया है, ये तमाम वीआईपी की लिस्ट थी, लेकिन इसी वीआईपी लिस्ट के बीच कलराज मिश्रा का भी नाम गायब है, ये सोचने वाली बात है। और शुभ्रा, जो यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीआईपी जोन है जहाँ पे वीआईपी वोटर रहते हैं, जहाँ राजनाथ सिंह कुछ देर पहले वोट दिए, ऐसे ही मतदाता हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील दत्त है, सरपली, हर एक इलेक्शन में वोट देते हैं, यहाँ भी खास वोट देने आए हैं और सरपली मालवीनी में रहते हैं और यहाँ पर हमारा नाम गायब है, हमारा गायब है, हमारी मिसेज का गायब है, इनफैक्ट हमारे आसपास के बहुत सारे लोग उनका गायब है। सुभ्रा, जो आप चर्चा कर रही थी कि यहाँ लापरवाही की लाख ये लोग जागरूकता फैला ले, जिंगल सॉन्ग निकलवा ले, लेकिन वही चीज है कि यहाँ बहुत लोग आ रहे हैं, उस बूथ पे आ रहे हैं जो माल एवेन्यू में है और माल एवेन्यू में खाली हाथ। बिल्कुल, और आप जैसा कि बता रहे हैं रजनीश की कई वीआईपी ऐसे हैं जो घरों से बाहर नहीं निकले हैं, अगर खुद राजनेता जो कि बड़े पदों पर आसीन हैं वो बाहर नहीं निकल रहे हैं और शहर की सरकार बनाने में योगदान नहीं कर रहे हैं तो आप समझिए कि आम लोगों पर कितना असर पड़ रहा होगा, कैसा असर पड़ रहा होगा। फिर भी लोग बाहर निकल रहे हैं, जो वोट प्रतिशत है वो धीरे धीरे आगे बढ़ भी रहा है, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा शाम तक ये जो मतदान का प्रतिशत है, जो फीसद है, वो और भी बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए।